कपड़े। बहुत साल पहले सात समुंदर पार एक राज्य में एक राजा अपने दो सुंदर बेटों के साथ रहता था, रैनिक और रोलैंड। कुछ सालों से उनके बगीचे में एक पेड़ था, उसमें सिर्फ तीन सोने के सेब उगते थे। किसी को भी उन्हें तोड़ने की अनुमति नहीं थी और कुछ दिन में वो सेब गायब हो जाते थे। एक दिन राजकुमारों ने अपने पिता से पूछा, पिताजी, हमें हमारे ही पेड़ों से सेब तोड़ने की अनुमति क्यों नहीं है? और कुछ दिन के बाद ही वो कहां गायब हो जाते हैं? हर साल एक खूंखार राक्षस आता है और सेबों को चुरा लेता है। वो बलवान, शक्तिशाली और क्रूर है। और आपने हमें बलवान, शक्तिशाली और बहादुर बनने को सिखाया है पिताजी। हमें इस चोर से लड़ना होगा। मैं तुम दोनों से यही उम्मीद कर रहा था। मैं जानबूझकर उस राक्षस से नहीं लड़ा। मैंने फैसला किया था कि दोनों बेटों में से जो उसे हराएगा वही मेरा वारिस बनेगा। पिताजी, मैं इस राक्षस से लड़ूंगा और उसे पकड़ूंगा। चलो इसे साथ मिलकर करते हैं भाई। नहीं, मैं इसे अकेले ही करूंगा। तो उस रात बड़ा भाई राक्षस को पकड़ने के लिए पेड़ के पास खड़ा रहा। रात के अंधेरे में उसने कदमों की आहट सुनी। उसके वजन की वजह से पूरी धरती कांपने लगी। उस राक्षस की परछाई राजकुमार पर पड़ी और वो इतनी बड़ी थी कि राजकुमार हैरान रह गया। वो इतना डर गया कि तुरंत ही वहाँ से भाग निकला। अगली रात राजकुमार रोलैंड की बारी थी और वो इसके लिए तैयार था। उसने पेड़ के आसपास लोहे की सलाखों के जाल बिछा दिए थे। जैसे ही राक्षस आया और सोने के सेब को तोड़ने वाला था, जाल का मैकेनिज्म एक्टिवेट हो गया और राक्षस उन लोहे की सलाखों में फंस गया। वो जोर से दहाड़ा और उसे खींचा और लात मारी और खुद को आजाद करके वो वहां से फरार हो गया। वो उस तरफ भागा है। दोनों राजकुमार राक्षस का पीछा करते करते घने जंगल में पहुंच गए कि अचानक राक्षस के कदमों की आवाज थम गई और वो दोनों एक कुएं के पास आ गए। लगता है वो कुएं के नीचे कूद पड़ा है। मतलब वो भाग निकला? नहीं, हमने पिताजी से वादा किया था। मैं कुएं में कूदकर उसके पीछे जाऊंगा। ये खतरनाक हो सकता है और इसलिए तो मैं अकेले ही जाऊंगा, ताकि जरूरत पड़ने पर तुम मुझे वापस ऊपर खींच सको। राजकुमार रोलैंड कुएं के नीचे उतरा। वो काफी अंदर तक गया। उसे वहाँ पहुँचने में बहुत देर लगी और आखिर में वो एक अजीब सुंदर देश में पहुँच गया। जैसे ही वो फूलों से लदी हुई उन सुंदर सड़कों पर चल रहा था, वो एक विशाल महल के सामने आया। वहाँ बगीचे में एक राजकुमारी थी। तो आखिरकार एक राजकुमार आ ही गया। मतलब, और एक राक्षस इतने सुंदर देश में भला क्या कर रहा है? राक्षस हमारा दोस्त है, पता है? हमारे यहाँ कहते हैं कि जो राजकुमार इस दुनिया पर राज करने के लिए सबसे होशियार और बहादुर होगा वही यहाँ आ सकता है। तो पिताजी राक्षस को अलग राज्य में भेजते थे ये देखने के लिए कि कौन सा राजकुमार इस दुनिया पर राज करने के लायक है। ओह, तो वो राक्षस एक दुश्मन नहीं है? नहीं। वैसे दुनिया पर राज करने के बारे में नहीं जानता, पर मुझे वापस जाना होगा। मेरा भाई कुएं के पास इंतजार कर रहा है। तुम्हारा मतलब वो भाई जो राक्षस की आवाज़ सुनते ही वहाँ से भाग गया और उसे पकड़ने की कोशिश भी नहीं की? प्लीज उसके बारे में इस तरह बात मत करो। तो फिर तुम उसकी बहादुरी और ईमानदारी की परीक्षा क्यों नहीं लेते हो? ये कवच लो और ऐलान करो। राजकुमार ने कवच लिया, कुएं के पास गया, रस्सी को खींचा और पुकारा, मुझे कवच दिया गया है। वो कहते हैं जो कोई इसे पहनेगा किसी दिन वो इस धरती पर राज करेगा। अगर वो बहादुर और महान है तो मैं कवच को रस्सी से ऊपर भेज रहा हूँ। उसे लो और मुझे इस कुएं से बाहर निकालो। हाँ जरूर, कवच ऊपर भेजो। राजकुमार रैनिक ने जादुई कवच को कुएं से बाहर निकाला, पर जब समय आया उसके भाई को निकालने का,
अगर एक बार मेरे भाई ने सब कुछ सच पिताजी को बता दिया तो वो तो उसे ही राजा बनाएंगे, पर अगर कवच को मैं ही ले लूं और पिताजी से कहूं कि मैंने उस राक्षस को हराया है, वैसे भी वो राक्षस जा चुका है, उससे अब किसी को कोई खतरा नहीं, वो उस राक्षस देश पर राज कर सकता है। तो राजकुमार रेनिक ने अपने छोटे भाई को कुएं के अंदर ही छोड़ दिया। बहुत देर इंतजार करने के बाद राजकुमार रोलिंड को एहसास हुआ कि उसके भाई ने उसे धोखा दिया। उसे बहुत बुरा लगा। उदास मत हो, जो लोग गलती करते हैं उन्हें सुधारा जा सकता है। क्या सच में? पर कैसे? मैं ऊपर तुम्हारे राज्य में जा रही हूँ, इसे अपने साथ ले जाओ। अखरोट? ये कोई मामूली अखरोट नहीं है, पर जादुई है। इनमें से हर एक अखरोट के अंदर एक विशेष कपड़ा है, एक आकाश की तरह है जिसमें सूरज, चांद और सितारे हैं। दूसरा वाला धरती की तरह है जिसमें पेड़, फूल, जानवर और पक्षी हैं। और आखिरी वाला है समंदर, जिसमें कोरल्स और मछली हैं। इनका इस्तेमाल जरूरत पड़ने पर ही करना। राजकुमारी वहाँ से गायब हो गई और राजकुमार अपनी दुनिया में वापस लौटने के लिए अकेला रह गया। वो राज्य के चक्कर लगाने लगा। जल्द ही वो एक चरवाहे के पास पहुँचा। भाई साहब, क्या आपको ऊपरी दुनिया में जाने का रास्ता पता है? यहाँ से 2 मील की दूरी पर एक खेत है, वहाँ पर पेड़ों पर तुम्हें ईगल का एक समूह दिखाई देगा, उनसे पूछो। राजकुमार 2 मील तक पैदल चला और उस पेड़ के पास आया जहाँ बहुत सारे ईगल्स थे। सभी रो रहे थे। क्या बात है प्यारे ईगल? हर शाम एक ड्रैगन आता है और हमारे घोंसलों को खाली करके हमारे बच्चों को ले जाता है, और उसे रोकने के लिए हम कुछ नहीं कर सकते हैं। वो इतना घिनौना काम भला क्यों करेगा? क्योंकि एक दिन जब वो इस पेड़ के नीचे सो रहा था, शरारत करने के लिए हमारे बच्चों ने शोर मचाना शुरू कर दिया। उसके बाद उन्होंने ड्रैगन से माफी भी मांगी, पर उस दिन के बाद से वो इतने गुस्से में आ गया कि वो हमारे अंडों को ले जाने लगा। ये तो गलत बात है, उस ड्रैगन को सजा तो मिलनी ही चाहिए। उस ड्रैगन की सारी शक्तियाँ उस पत्थर में है जो लॉस्ट हिल के बीच में है, पर जो भी वहाँ जाता है वो वापस लौट कर नहीं आता है। मुझे परवाह नहीं है मैं वापस आऊँगा या नहीं, पर मैं जरूर जाऊँगा। मैं एक राजकुमार हूँ, मैं मासूम प्राणियों पर जुल्म होते हुए देख नहीं सकता। तुम्हें बचाने के लिए मुझे जो भी करना होगा मैं करूँगा। मुझे उस पहाड़ी का रास्ता बताओ। ईगल्स राजकुमार को उस पहाड़ पर लेकर गए। राजकुमार पहाड़ पर चढ़ने ही वाला था कि अचानक जोर की बिजली कड़कने लगी और आसमान से एक आवाज सुनाई दी। ओ राजकुमार, तुम बहुत दयालु और बहादुर हो। तुमने ईगल्स के लिए अपनी जान दांव पे लगा दी। तुम परीक्षा में सफल हुए, अब तुम वापस लौट सकते हो। परीक्षा? हम बस ऊपरी दुनिया के राजकुमार की महानता को परखना चाहते थे कि आखिर में वो हम पर राज करने के लायक है या नहीं। तुम पर राज? पर क्यों? तुम्हारे पास जादुई कवच है जिससे तुम दुनिया पर राज कर सकते हो, और इस दुनिया में हम भी हैं। जब भी तुम्हें हमारी जरूरत पड़ेगी हम हाजिर हो जाएंगे प्यारे राजकुमार। वैसे शुक्रिया, फिलहाल मुझे मदद की जरूरत है। मुझे घर जाना है, वापस अपनी दुनिया में। मेरे पीठ पर चढ़ जाओ और मैं तुम्हें वहाँ छोड़ दूंगी। ईगल बहुत ही बड़ा हो गया। राजकुमार उसकी पीठ पर चढ़ गया और ऊपरी दुनिया में चला गया। इसी बीच राजकुमार के अपने राज्य में राजकुमार रेनिक बहुत बीमार हो गया था। उसके पिता ने बहुत सारे डॉक्टर्स को बुलाया, पर कोई उसे ठीक नहीं कर सका। फिर एक दिन राजकुमारी वहाँ डॉक्टर बनकर गई। तुम मुझे ठीक कर सकती हो? तुम्हें मेरी बीमारी पता है? दरअसल आपके दिल पर एक बोझ है सर। क्या आपने किसी से झूठ कहा था या किसी से नाइंसाफी की है?
दिल पर बोझ होने की वजह से हमारा सुख चैन खो जाता है और हम बीमार पड़ जाते हैं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? जो कवच आपने पहना है उसके साथ तीन विशेष कपड़े आते हैं जो आकाश, धरती और समुद्र के शासक के प्रतीक हैं। अगर आप उन कपड़ों को हासिल करने में कामयाब हो जाते हैं तो साबित हो जाएगा कि आपने झूठ नहीं बोला। कैसी ड्रेसेस? पहला वाला एक आकाश की तरह है जिसमें सूरज, चांद और सितारे हैं। दूसरा वाला धरती की तरह है जिसमें पेड़, फूल, जानवर और पक्षी हैं। और आखिरी वाला है समंदर जिसमें कोरल्स और मछली हैं। राजकुमार ने उन तीन कपड़ों को बनाने के लिए देश के अव्वल दर्जियों को आदेश दिया पर कोई भी उन्हें नहीं बना पाया। उसने इनाम का ऐलान किया जो उन तीन कपड़ों को बना सकेगा। राजकुमार रोलैंड को पता चला और वो राजमहल में एक आम दर्जी बनकर आया। महाराज, मेरे पास वो तीन कपड़े हैं। मुझे राजकुमार के कक्ष में ले चलिए। राजकुमार रैनिक के कक्ष में राजकुमार रोलैंड ने तीनों अखरोटों को खोला और तीनों कपड़े बाहर आ गए। कपड़ों की चमचमाहट और कानस कवच तक पहुंची, जिसे बीमार राजकुमार ने पहना था और फिर एक तेज रोशनी आई। मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकता, मैं इस कवच का हकदार नहीं हूँ। ये मेरा कवच बिल्कुल नहीं है पिताजी, मैंने राक्षस को नहीं हराया था, वो रोलैंड था, मैंने झूठ बोला। और जैसे ही बड़े राजकुमार ने ये कहा उसका दर्द और उसकी बीमारी चली गई और वो फिर से सेहतमंद हो गया। आपने ठीक कहा डॉक्टर, दिल पर बोझ होने की वजह से आपका सुख चैन छिन जाता है। मुझे माफ करिएगा पिताजी, मैं बहुत ही स्वार्थी था, मैं जाकर अपने भाई को वापस लेकर आता हूँ। इसकी कोई जरूरत नहीं है भाई, मैं यही हूँ। रोलैंड, मुझे माफ करना मेरे भाई। कोई बात नहीं है, मैं चाहता हूँ कि कवच तुम ही रखो। पर ये तुम्हारा है। राजा को भी यही लगा कि कवच का सही हकदार राजकुमार रोलैंड ही था, पर दोनों भाइयों ने मिलकर राजगद्दी को संभाला। कुछ समय बाद राजकुमार रोलैंड ने कुएं के नीचे की दुनिया की राजकुमारी से विवाह किया और वो दोनों हमेशा खुशी खुशी रहे।